नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते हैं दोस्तों हम हमारी रीजनिंग की क्लासेज पर। दोस्तों हमने रीजनिंग की हमारी क्लास 19 यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 20 पर चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्लास नंबर 20 के पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि 5 भाग 5 बराबर 50 होते हैं, 6 भाग 6 बराबर 72, तब 8 भाग 8 बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है जिन्हें हमें बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेगा आपको मात्र 20 सेकंड। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। एक बार हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन की रीडिंग की थी तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 5 भाग 5 बराबर 50 होते हैं, 6 भाग 6 बराबर 72, तो 8 भाग 8 बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन हमारे सामने है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। 5 भाग 5 बराबर 50 किस प्रकार आया। देखिए दोस्तों, 5 भाग है जो इसकी जगह इंटू मान लो, मतलब ऐसे दोस्तों कि इसको किस प्रकार किया। ये देखो 5 × 5 कर दिया, ये हो गई 25। 25 को 2 से गुणा किया तो 50 आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों आगे दे रखा है हमें 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 36, 36 को 2 से गुणा किया 72। अब ये इस प्रकार हुआ था, ये भी इस प्रकार हो गया। दोस्तों देखिए, 8 × 8, 8 × 64, 64 को 2 से गुणा किया, 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, 128। 128 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गई दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दोस्तों कि 2032 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को करिए कि क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको मात्र 20 सेकंड। करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। एक बार हम भी देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। क्या पूछ रहा था दोस्तों कि 2032 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। चार ऑप्शन हमारे सामने है, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हुआ है। पहले तो ये देखिए दोस्तों, 2032 का कैलेंडर जो है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। कि दोस्तों जिस कैलेंडर में 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए, या जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए, वो लीप वर्ष होता है। दोस्तों इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 8 32, तो ये कौन सा है, लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष हो गया। तो इसमें एक लॉजिक है दोस्तों, इसमें लॉजिक ये है कि जब कोई सा भी कैलेंडर लीप वर्ष का हो, तो उसके इसका एक ट्रिक मान लो दोस्तों, कोई सा भी कैलेंडर यदि लीप वर्ष का हो और यदि उसमें प्लस 28 साल और जोड़ देंगे, तो उसका 28 साल काउंटिंग होने के बाद में जो भी सन आएगी वो उस कैलेंडर के समान होगी। जैसे 2032 है, अब 2032 में दोस्तों हम 28 साल काउंटिंग करेंगे, 8 और 2 10 की 0, हासिल किए 3 और 2 5 और 1 6 0 2, तो 2060, 2060 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो 2060 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। लीप वर्ष का यदि कोई सा कैलेंडर हो जिसमें हमने हमको लगा या पता लगाना चाहे कि इसके किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो इसमें 28 साल काउंटिंग कर देंगे। 28 साल काउंटिंग करने पर हमको पता चल जाएगा कि 2032 का है कोई सब कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। तो क्वेश्चन किस इस प्रकार होगा दोस्तों, आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। आपको एक घड़ी दे रखी है दोस्तों, या आकृति कुछ मान लो, एक आकृति दे रखी है, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से एक राइट आंसर है जिनको हमको पता लगाना है कि दोस्तों ये एक आकृति दे रखी है, यदि इस आकृति के सामने हम या तो दर्पण ले आए या इस आकृति को हम यूं पलट दें, यूं दाई तरफ पलटने पर इस आकृति की जो घड़िया है इनकी सुइया क्या समय बताएगी। जिन वास्तविक टाइम इसमें बता रहा है दोस्तों, ऐसे मान लो 4 बज करके इसमें कुछ 58 या 57 के आसपास मिनट हो रही है, तो इनको ये पलटने पर इसका वास्तविक टाइम क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। तो करिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, एक बार हम भी देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा। क्या है दोस्तों कि दी गई आकृति में क्या पूछ रहा था, एक दर्पण दे रखा है, अब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो इसको पलटने पर क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन हमें दे रहे हैं, इसके लिए हम दोस्तों आपको 2 ट्रिक बताएंगे। ट्रिक फर्स्ट में क्या है, देखिए दोस्तों ये ट्रिक भी ईजी है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जैसे ये घड़ी दे रखी है हमें, इसमें कर लेते हैं लिखने के वहां पर, तो ये घड़ी दे रखी है। अब क्या दे रखा है दोस्तों, इस घड़ी में दे रखा है हमको जैसे यहाँ पर मान लो 4 बज करके कुछ 58 मिनट हो रही थी, हमने आपको बताई थी, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों। यदि इस घड़ी को हम यूं पलटेंगे दाई तरफ, तो दोस्तों ये जो सुई है ना, ये सुई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी बिल्कुल, और दोस्तों ये जो सुई है, ये सुई दोस्तों यहाँ पर यूं चली जाएगी, तो यू चली गई, तो इसको हटा दो, ये इस प्रकार बन जाएगी। तो दोस्तों अब कितनी बज गई, अब बज गई दोस्तों 12 बज करके कुछ 38 मिनट ऐसी हो रही है। तो देखिए दोस्तों 12:38, ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऐसे आकृति इसके समान है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गए दोस्तों कि किस प्रकार हुआ है। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, तो ट्रिक नंबर सेकंड पे चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार होता है देखियो। ये घड़ी है दोस्तों, ऐसे तो हमारे समय होता है 24 घंटे का, दिन और रात का, दिन होता है 12 का, रात होती है 24 की। तो देखिए दोस्तों हमको क्या करना है कि हमें बस घड़ी में सिर्फ 12 घंटे दे रखे हैं। अब 12 घंटे को हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 11 बज करके 60 मिनट, अर्थात ये पूरे 12 बज गए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले तो 11:60 लिखेंगे, यानी 11 बज करके 60 मिनट इस प्रकार। अब देखेंगे घड़ी में हमें टाइम क्या दिया था। देखिए दोस्तों यहां पर वो थी ना सुई, इस प्रकार थी, तो कितने बज रहे थे दोस्तों, 4 बज करके कुछ 58 मिनट हो रही थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिख देंगे कुछ भी नहीं, 4 बज करके 58। अब इसमें से कुछ भी करना, कुछ भी नहीं करना, 11:60 में से जितने बज रहे थे उसको घटा देंगे और हमारे उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों 10 में से 8 गई तो कितने बचे, 2 बचे, 5 बचे, 5 में से 5 गए तो 0। अब 11 है दोस्तों, 11 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बचे, 7 बजे। अब 7 बज करके 2 कुछ ऐसी मिनट हो रही है, तो देखिए दोस्तों ये सुई यहां पर आ गई, तो ये 7 हो गए दोस्तों, 6, 6 के बाद में 7। अब 7 बज करके 2 कुछ ऐसी मिनट हो रही है, यहां पर 5 मिनट होती है, इसमें कुछ हमने अंडरस्टैंडिंग कर दी थी सर वह दोस्तों, कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो, हमने आपको बता दी 12 बज करके कुछ ऐसी मिनट हो रही थी, नहीं बल्कि यह सुई घंटे की है, और ये सुई है ना जो दोस्तों मिनट की है। इसमें ट्रिक ये होगा, फर्स्ट ट्रिक बताया था हमने आपको कि जैसे 4 बज करके 58 ऐसी मिनट हो रही थी, शायद हमने आपको सही बताया था। अब ये सुई यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर चले गई, ठीक है। दूसरी ट्रिक बताई थी हमने आपको, 11:60 लिखेंगे जिसमें जितना टाइम दे रखा है उसको घटा देंगे, हमारा वास्तविक टाइम आ जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये इस प्रकार होगा दोस्तों, आपकी समझ में आ गई ये किस प्रकार होगा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि विकल्पों में से बॉक्स को चुनिए। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इनमें से एक राइट आंसर आएगा, उस बॉक्स को आपको चुनना है। आगे दे रखा है, जो आकृति में दिखाए गए, एक आकृति दे रखी है, सीट को मोड़ने पर बनाया जा सकता है। एक आकृति आपको दे रखी है, इस आकृति को इस प्रकार मोड़ना है कि इनमें से एक राइट आंसर आएगा, एक आकृति बन जाएगी, इनमें से एक बॉक्स बन जाएगा जिनमें से एक राइट आंसर आएगा। ये घन का क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, आपने इसे कर लिया होगा, एक बार हमें देखते हैं दोस्तों किस प्रकार होएगा। क्या दे रखा था, विकल्पों में से बॉक्स को चुनिए, क्वेश्चन की हमने रीडिंग कर ली थी कि, और हमको एक आकृति दे रखी है, इसको मोड़ने पर हमको एक बॉक्स बनाना है कि किस प्रकार बनेंगे, इनमें से राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार होएगा, दोस्तों 2 के विपरीत ये किस प्रकार होगा, देखिए दोस्तों 2 है, 2 के अपोजिट हमेशा क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। एक है दोस्तों, एक का अपोजिट हमेशा दोस्तों 6 होता है, मतलब एक को छोड़ करके, इसमें हमेशा इस प्रकार की आकृति में हमेशा एक को छोड़ करके अपोजिट आता है। जैसे 2 है, 2 में से एक को छोड़ जाए तो 2 का अपोजिट 4 हो गया, एक का अपोजिट 6 हो गया, तो 5 का अपोजिट 3 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों इसके लिए, दोस्तों यदि 2 का अपोजिट 4 है ना, तो 2 के साथ का भी 4 तो आ नहीं सकते, अर्थात इसको देवरानी मान लो और इसको जिठानी मान लो, कि एक घर के नीचे, एक घर की छत के नीचे देवरानी और जठानी कभी भी रह नहीं सकती है। तो देखिए दोस्तों यदि यहाँ पर 2 है, 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 के साथ कभी 4 आ नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार की आकृति में दोस्तों हमेशा अपोजिट देखा जाता है, और अपोजिट देखने के लिए हमेशा एक कोष्ठक छोड़ा जाता है। अर्थात जैसे 2 है, तो 2 में ये कोष्ठक हम छोड़ दिया, मतलब इसका अपोजिट ये हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, एक का अपोजिट 6 हो गया। तो दोस्तों 2 के अपोजिट कभी 4 रह ही नहीं सकता, मतलब 2 के साथ कभी 4 रह सकता है, यहाँ पर 2 के साथ 4 है तो इसको हम काट देंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1, एक का अपोजिट 6 है, अब एक के साथ कभी 6 आ नहीं सकता, तो यहाँ पर एक के साथ 6 दे रखा है, ये काट। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 5, 5 का अपोजिट दे रखा है 3, तो 5 के अपोजिट 3 है ना, तो 5 के साथ कभी 3 आ नहीं सकते, तो यहाँ पर 5 के साथ 3 दे रखा है, ये काट। अब बचा कौन सा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता, कि इसमें अपोजिट देखा जाता है, विपरीत देखा जाता है, और विपरीत देखने के लिए हमेशा एक कोष्ठक छोड़ा जाता है। अर्थात जैसे 1, 2 और 3 है, तो इनमें बीच की संख्या को छोड़ करके इसके अगली संख्या को देखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो इसका अपोजिट 4 हो जाएगा, ऐसे देखा जाता है, एक संख्या को छोड़ दी जाती है, मतलब एक कोष्ठक को छोड़ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए दोस्तों किस प्रकार हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दोस्तों, कुछ समीकरणों को एक निश्चित तरह से हल किया गया है, बिना हल किए गए समीकरण को उसी प्रकार से हल करके सही उत्तर याद कीजिए। कुछ समीकरण है, जैसे दोस्तों क्या दे रखा है कि समीकरण दे रखे हैं, जिनमें से दोस्तों 1, 2, 3 तीन समीकरणों को हल किया गया है। जिस प्रकार तीन समीकरण हल किए गए, उसी प्रकार हमको चौथा समीकरण हल करना है, और क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें पता लगाना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है दोस्तों, और यह क्वेश्चन भी आपके दोस्तों होमवर्क के लिए होगा, आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो को देख सके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों हमने
यूट्यूब पर क्लास। दोस्तों हमने क्लास यूट्यूब पर 19 अपलोड कर दी थी, ये क्लास नंबर 19 नहीं होकर के बल्कि 20 है। क्या थी दोस्तों, बारिश आ रही थी, अब कुछ ऐसा बैठा नहीं था तरीका, पेड़ क्लास हमको देनी थी तो कुछ जल्दी में गलत लिखा गा गया। क्लास नंबर 20 है दोस्तों आज ये, और हमने 19 क्लास हमने यूट्यूब पर चढ़ा दी है, आप उन क्लासों को एक बार पढ़ लेना। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हम मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।